Hello, hello everyone. This is Siddharth Beya. So I have a very small message हमारे 9th और 10th में जुड़ने वाले बच्चों के लिए. So basically हमारा दो दिन पहले एक सेशन हुआ था जो आलोक भाई ने लिया था. आई होप आपको सेशन के थ्रू हमारे सारे कोर्स प्लान एंड 9th 10th में हमने जो जिसको हम क्वार्क बैच बोल रहे हैं, क्वार्क बैच के लिए जो भी प्लानिंग करी है उसके बारे में आइडिया लग गया होगा. एंड तो मेरे को बस एक छोटा सा अपडेट और देना था 9th 10th के बच्चों के लिए. तो अभी कल ही आलोक भैया से मेरी बात हुई है इसके रिगार्डिंग. एंड बेसिकली हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी बच्चे हमें 9th या 10th में जुड़ रहे होंगे हमारे कोर्स में, उनको हम 11th में जब वो आएंगे वी विल गिव देम अ डायरेक्ट एडमिशन टू आर ABSB फाउंडर्स बैच. तो जो हम नॉर्मली बाकी बच्चों के लिए एडमिशन टेस्ट के थ्रू जिसमें एडमिशन देंगे हम, इसमें बच्चों का एडमिशन टेस्ट क्लियर करना होगा और उसके बेसिस पे ही उन्हें एडमिशन मिलेगा. 9th और 10th में जुड़े हुए बच्चों के लिए वी विल गिव अ डायरेक्ट एडमिशन टू ABSE बैच वेन एवर दे गेट इन टू देयर क्लास 11, आज से एक साल बाद, दो साल बाद, जब भी होगा वो. अनदर थिंग, जो हमारे 9th में बच्चे हैं, जब वो 9th पास करेंगे अपनी अगले साल, तो हमारे जो बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे परफॉर्म हमारे टेस्ट में, इंटरनल टेस्ट में जो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे होंगे, उनको हम लोग डायरेक्टली ABSE फाउंडर्स बैच में उनकी क्लास 10th में ही एडमिशन देने का प्लान कर रहे हैं, जिसको हम एक टॉप क्वार्क बैच नाम से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो बच्चे अच्छा कर रहे होंगे उनको जब वो 10th में आएंगे हम उनको 11th क्लास के कोर्स में ABSE फाउंडर्स बैच जिसमें आलोक भाई क्लासेस ले रहे होंगे सारी, उसमें सीधे सीधे एडमिट करेंगे ताकि उनका सिलेबस हम एक साल जल्दी शुरू करके उनके परफॉर्मेंस और उनकी प्रिपरेशन को और अच्छे से एक्सेलरेट कर पाएँ और उनको एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे पाएँ JEE की प्रिपरेशन में. तो आई होप दिस विल बी वेरी गुड फॉर आर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन 9th एंड 10th. सो दैट्स ऑल. थैंक्स अ लॉट.